हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि नई वीडियो आप तक। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नरेगा में आपका जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट में आ गया है नहीं, हम कैसे चेक करें। तो उसके लिए हम गूगल क्रोम ओपन करते हैं और यहाँ पे जो तीन डॉट दिख रहे हैं यहाँ पे क्लिक करें। आपका जो मोबाइल है वो डेस्कटॉप साइट पे दिखना चाहिए ताकि आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलो दोस्तों, हम सर्च करते हैं नरेगा, NREGA, नरेगा। सर्च करने के बाद हम उनकी जो एक पेज है गूगल का, वहाँ पहुँच जाएंगे। दोस्तों, अपना मोबाइल को हम रोटेट कर लेंगे जिससे कि हमें देखने में आसानी हो। अपना मोबाइल रोटेट करें और यहाँ पे देखो आपको उनका साइट दिख रहा है, महात्मा गांधी नरेगा या मनरेगा, वहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करने के आप उनके होम पेज में पहुँच जाओगे। वहाँ पे आपको पंचायती GPSPZP लिखा हुआ दिखेगा, वहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे जहाँ पे नीचे दिख रहा है आपको ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने से हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो ओपन करते हैं। नीचे दिख रहा है हमें जनरेट रिपोर्ट, यहाँ पे क्लिक करें। जनरेट रिपोर्ट क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे। यहाँ पर हम जो अपना पंचायत और प्रदेश पूरा डिटेल भरेंगे, तो अपना जो भी आपका स्टेट है वो सिलेक्ट करें। मैं हिमाचल प्रदेश सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है कि फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना होगा आपको, तो मैं 2020 और 21 सिलेक्ट करूँगा। और नीचे आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होगा। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट करना है, जो भी आपका ब्लॉक है वो सिलेक्ट करें। और नीचे पंचायत, पंचायत सेलेक्ट करने के बाद आप डायरेक्टली आप अपने पंचायत के ऑफिशियली पेज पे पहुंच जाओगे जहां पे आपको अपनी पूरी डिटेल मिलेगी। तो हम अपना पंचायत सेलेक्ट करते हैं और नीचे प्रोसेस बटन पे क्लिक करेंगे। प्रोसेस करने के बाद हम अपनी पंचायत के होम पेज पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप बहुत सारी डिटेल है जो आप चेक कर सकते हैं, पर हम अपना जॉब कार्ड या एम्प्लॉय रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने से हमें अपने जो भी सैलरी उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। तो यहाँ पे क्लिक करें जॉब कार्ड एम्प्लॉय। यहाँ पे आपका जॉब कार्ड नंबर दिखाई दे रहा है और नाम दिखाई दे रहा है, तो अपने जो भी जॉब कार्ड नंबर है वहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आपका जो जॉब कार्ड है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो देखिए उसमें पूरा डिटेल दिया होगा, आपका नाम, फादर नेम, आपका कास्ट कैटेगरी क्या है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एड्रेस, विलेज, पंचायत, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट वगैरह वगैरह। और ये फैमिली का है, कौन सा फैमिली, BPL का है या जनरल है, वो सब यहाँ पे रहेगा। और आपके फैमिली मेम्बर का भी पूरा डिटेल यहाँ पे रहेगा। तो नीचे आप जाएंगे तो उसमें दिखाएगा कि आपने कितने दिन काम किया है और कौन सी डेट को काम किया है, तो उसका पूरा डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगा। दोस्तों, वीडियो कट ना करें, पूरा देखें तभी आपको प्रॉपर जानकारी मिल पाएगी। तो नीचे जो देखें, स्क्रॉल करने से हमें पता चलता है नीचे हमने जो भी काम किया है उसका हमें कितना सैलरी मिला है, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मंथली वाइज और जब जब पेमेंट आपके अकाउंट में है वो पूरा डिटेल यहाँ पे दिया है। दोस्तों, बहुत आसानी से आप ये सब पता कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में कितना पैसा आया है मनरेगा की तरफ से। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे बताना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इस तरह की वीडियो हम आप तक पहुंचा सकें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।